कतई परेशान हो गया हूँ यार इस गाड़ी से। अरे मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरे 25 लाख वेस्ट हो गए, क्यों ही खरीदा मैं इस गाड़ी को यार। बाहर रोड पे निकालो ना, शर्म आती है मेरे को यार ये गाड़ी निकालने में। क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्यों शर्म आती है? अरे यार ये गाड़ी मतलब यार जब भी बाहर निकालो सब कोई पलट पलट के देखते हैं, इसका लुक ही इतना अच्छा बना दिया है, शर्म आती है कहते ये गाड़ी निकालने में यार। इतने लोग पलट पलट के देखते हैं कि पूछो मत यार, मतलब शर्म से तो मतलब कतई यार निकालने को मन ही नहीं करता इसको यार। क्यों, ऐसी कौन सी गाड़ी है आपकी? अरे मेरे पास टाटा हैरियर है यार। अरे गवर्नमेंट को इस गाड़ी को बैन कर देना चाहिए यार। इस गाड़ी के जब ड्राइविंग सीट पे बैठो ना तो ऐसा लगता है कि टैंक में बैठ गए, आदमी निफिक्र हो जाता है। अरे भाई रोड पे जो बाकी गाड़ियां चल रही हैं वो तो टैंक नहीं है, ये किया की चल रही है, मारुति है, उसके बाद से अपनी हुंडई है, वो तो टैंक नहीं है। इसके अंदर बैठने के बाद आदमी को लगता है कि भैया खौफ फ्री हो गए, और बाहर के जो गाड़ी जो चल रही है उनको लगता है हम दहशत में आ गए। तो यार इसका बिल्ड क्वालिटी ऐसा बना दिया टाटा ने कि सारे रोड पे बाकी गाड़ियां जो चलती है वो दहशत में आ जाती हैं। तो ऐसे गाड़ियों को इंडियन रोड्स पे चलने के लिए गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर व्हीकल्स व्हिच आर रनिंग ऑन द इंडियन रोड्स। सो दिस इज अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो एक बात बताओ, आप हैरियर इतने दिन से चला रहे हो, आप इसको कितना रेटिंग देना चाहते हो? मैं हैरियर को 0/5 रेटिंग देना चाहूंगा। क्यों? एनकैप टेस्टिंग भी तो इसका अभी तक नहीं हुआ है, फिर क्यों? अरे बात एनकैप टेस्टिंग की नहीं है यार, आदमी गाड़ी क्यों खरीदता है, कंफर्ट के लिए। लाइक अभी ट्रिप पे जा रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके जा सके, थोड़ा मी टाइम स्पेंड कर सके, जैसे हम मैं और तुम बैठे हैं, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करे, थोड़ा प्राइवेसी मिले, इसीलिए तो गाड़ी खरीदता है ना। बट इस गाड़ी में प्राइवेसी ही नहीं है। क्यों? अभी इतना देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 10 लोग जा चुके हैं, 20 आंखें हमें देख चुकी है, एक आदमी की 2 आंखें, तो प्राइवेसी ही नहीं है, ऐसा गाड़ी लेके करेंगे क्या यार। इसीलिए मैं इसको 0/5 रेटिंग दूंगा इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, बिल्कुल इस गाड़ी में प्राइवेसी नहीं है। और अगर मतलब ना आपको भी प्राइवेसी चाहिए तो प्लीज ये गाड़ी न ले, 1000 लोग 2000 बार देखेंगे, तो प्लीज मेरे ओर से नो है फॉर हैरियर। अरे अब क्या कर रहे हो? स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ। सब कोई बोलता है ना कि यार टाटा का जो स्टीयरिंग है वो बहुत हेवी है, तो यार बहुत मुश्किल लगता है घुमाने में यार, दोनों हाथ यूज करना पड़ता है। क्या है ना कि यार अब ये है टीन का डब्बा तो है नहीं है, ये है लोहे का टैंक। अब लोहे का टैंक है तो भाई स्टीयरिंग से फील तो ऐसा आना चाहिए, है ना। तो चलो चल दो, मैं तुमको घुमा के लाता हूँ, है ना, चलो। हे हाय, होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू एंजॉयड इट यू नो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो आई क्रिएटेड दिस वीडियो जस्ट फॉर फन, and by the way I am a proud owner of Tata Harrier since 2 years, and I love driving this vehicle. Okay, so I know, like, you know, there are many cons of this vehicle, but comparatively there are many pros. Okay, so I really enjoy driving this vehicle. Okay, so this video is dedicated to all the all the Tata lovers. Okay, so if you like the video please give a thumbs up. Thanks for watching, bye, take care.